उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के रीडर और व्याख्याता आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। दरअसल करीब 40 ऐसे कर्मचारी हैं जो लंबे समय से पदोन्नति और वेतन वृद्धि को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं। मांगे नहीं पूरी होने पर आप सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हड़ताल पर बैठ गए। उज्जैन संभाग की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक विक्रम विश्वविद्यालय के आज रीडर और व्याख्याता पद के कर्मचारी अपने लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। दरअसल कुछ दिन पहले विक्रम विश्वविद्यालय में हुई कार्य परिषद की बैठक में भी सभी कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनमान को लेकर कोई समाधान नहीं निकल पाया था और इसी को लेकर लगातार कर्मचारी विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाते हुए मांग कर रहे थे कि जल्द ही उन्हें पदोन्नति दी जाए। लेकिन 31 अक्टूबर का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आज से 39 कर्मचारी विश्वविद्यालय के गेट पर हड़ताल पर बैठ गए। हम लोग आज हमारे प्रमोशन को लेकर आज हड़ताल पर बैठे हैं, जो पिछले 15 साल से कुछ 13 साल से लंबित है और हमने पिछली बार अभी धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम लोग आपका प्रमोशन कर रहे हैं, कमेटी बना चुके हैं, पर अभी तक हमें कोई ऐसा वो क्लियर नहीं किया कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, 14 तारीख तक का ये प्रमोशन का लेटर निकालने का था, ठीक है, पर अभी तक हमको इसको कोई आश्वासन नहीं दिया है। कितने शिक्षक हम लोग है? 18 लेक्चरर है और 21 लीडर है, टोटल 39 लोगों का प्रमोशन होना है। यदि ये नहीं होता तो आगे क्या? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल है।